अब आपके शहर सागर में सैनिटाइज और सीसीटीवी सुविधा के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं का सिलसिला जारी है, तो वहीं आए दिन कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो हमें और आपको चौंका देते हैं। ऐसी ही एक खबर ने प्रदेश को चौंका कर रख दिया, जिसमें गुजरात पुलिस ने रतलाम निवासी दंपत्ति को 12 लाख रुपयों के नकली नोट के साथ हिरासत में लिया है। गुजरात पुलिस के अनुसार वो मामले की सिलसिलेवार जांच कर रही है, जिसमें संभावना है कि कुछ और नाम सामने आ सकते हैं। बहरहाल रतलाम निवासी इस दंपत्ति ने रतलाम का नाम समूचे गुजरात में चर्चित कर दिया। जानकारी कहती है कि बीते दिन गुजरात के कच्छ के भुंज शहर में रतलाम निवासी दंपत्ति राहुल कसेरा और पत्नी मेघा 2,500 रुपए के नकली नोटों का उपयोग करके 6 से 7 दुकानदारों से मोबाइल फोन, कपड़े और जूते खरीदने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन कुछ व्यापारियों द्वारा जब नोटों को चेक किया गया तो ये नोट नकली निकले, जिसकी व्यापारियों ने पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर 12 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं। इनके पास से ब्लैंक पेजेस जो कि हैं तो A4 साइज के, लेकिन उनका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा है, नोट के बराबर के हैं थिकनेस, उस तरह के पेजेस इनके पास से मिले हैं लगभग 1,000 की संख्या में। इसके अलावा वाटर मार्क लगाने के स्टैम्प पैड, नंबर छापने वाली सील, प्लस पेपर को पेपर कटिंग मशीन मिले हैं इनके पास से, नोट गिनने की मशीन मिली है। इसके अलावा सोने के आभूषण जो है लगभग 920 ग्राम सोने के आभूषण है और लगभग 1.5 किलो की चांदी के आभूषण है। तो इन चीज़ों को पुलिस ने जब्त किया है और इनके खिलाफ थाना माड़क चौक में अपराध क्रमांक 105/21 धारा 489A, 489C और 489B IPC के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है राहुल कसेरा और मेघा कसेरा के खिलाफ। ये दोनों ही गुजरात पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, इनको बहुत जल्दी हम लोग लेके आएंगे प्रोडक्शन वारंट पे। वहीं इस पूरी घटना की जानकारी जब प्रदेश की रतलाम पुलिस को लगी तो दंपत्ति के घर की तलाशी ली गई, जहां से पुलिस ने कुछ सोने चांदी के जेवरात और बड़ी मात्रा में नकली नोट बनाने के जखीरे को जब्त किया है। साथ ही कुछ नकली नोट भी जब्त किए गए हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।